नमस्कार आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेमिंग पाजी। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने इसलिए पेश हुआ हूँ क्योंकि अब मैंने सोचा है कि क्योंकि WCC 3 में आ गया है वुमेन क्रिकेट, तो उस पर कुछ वीडियो बनाऊँ, तो मैंने सोचा एक क्यों ना चैम्पियनशिप कर ली जाए जिसका नाम मैंने रखा है वुमेन T10 चैम्पियनशिप। दोस्तों, इसमें जितनी टीमें हैं, पूल 1 है, पूल 2 है। पूल 1 में इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड है, और पूल 2 में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश है। तो दोस्तों, पहला मैच इसमें इंग्लैंड और इंडिया का है, दूसरा मैच इसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं पहले मैच की वीडियो बना रहा हूँ जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके कहोगे कि भाई शेड्यूल बताओ, तो मैं शेड्यूल पूरा बताऊँगा। अभी बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं इंडिया और इंग्लैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें हम लोग खेलेंगे इंडिया से, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं इसलिए हम लोग इंडिया से खेलेंगे। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इंग्लैंड सेलेक्ट कर लिया। 10 ओवर का मैच होगा, वो मीडियम पर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास कॉइन नहीं है, तो मैं कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। दोस्तों, मैंने कॉइन कलेक्ट कर लिए, तो चलिए मैच स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग की जर्सी है, आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड लूंगा मैं चेन्नई का और रखूंगा डस्टी पिच और हल्के से बादल रख देता हूँ, नहीं नाइट कर देता हूँ सीधा। आगे बढ़ते हैं, टीम जैसी है वैसे ही रहेगी दोनों, क्योंकि लेटेस्ट टीम दी गई है जल्द, क्योंकि कल ही इसमें अपडेट आया है, मैंने वीडियो बनाई है। आप लोगों ने ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ ग्राउंड लोडिंग हो चुकी है, फटाफट गेम स्टार्ट हो रहा है, एसेट्स की लोडिंग हो रही है। सो दोस्तों, हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ओवर का मैच है, वेदर नाइट है, क्लीन है। तो यहाँ पे मैं टेल ले लेता हूँ, देखते हैं हम लोग टॉस जीतते हैं हारते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग टॉस हार गए हैं, बहुत बुरी बात। तो हम लोग को बॉलिंग करनी है, तो मन तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे, क्योंकि चैम्पियनशिप है। सो यहाँ पे इंग्लैंड, हम लोग बॉलर, तो यहाँ पे इंग्लैंड की टीम आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं बॉलिंग पे उतारता हूँ। एक कोई पांडे हैं, उनको फास्ट बॉलर है, इसलिए 2 मैच में इन्होंने 2 विकेट ली हैं, बेस्ट इनका 4 रन दे के 2 विकेट, तो बढ़िया प्रदर्शन है। तो यहाँ पे पहली गेंद ही अच्छी पड़ी हम लोग की, ग्रीन पे पड़ी है, ग्रीन लाइन पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपील और ये अंपायर ने दे दिया आउट। तो दोस्तों, पहली गेंद हम लोग के लिए तो बहुत अच्छी रही है, तो देखते हैं रिव्यू लेते हैं या नहीं। तो दोस्तों, रिव्यू ले लिया है, तो अब देखना है कि क्या होता है। यहाँ पे नो बॉल चेक हो रही है, यहाँ पे नो बॉल तो है नहीं, कैमरा एंगल्स मुझे इस गेम के बहुत भाए हैं। तो दोस्तों, आउट लग रहा है मुझे, जी हाँ दोस्तों, यह आउट है। इम्पैक्ट भी तीनों स्टंप्स के बीच में और बॉल भी लगी है तीनों स्टंप्स के बीच में। अब नॉट आउट दिया ये क्यों मुझे नहीं समझ में आया है, बग हो सकता है इसमें। अकेला लेग कटर डालता हूँ मैं, देखता हूँ इस गेंद पे क्या होता है। ये मारने की कोशिश करी, मार नहीं पाए हैं, मात्र 1 रन दूसरे के लिए भागे हैं, जल्दी फेंकना पड़ेगा, लेकिन पहुंच गए। तो दोस्तों, 2 रन से खाता खोला है टीम ने।
यहाँ पे नो बॉल हो गई है दोस्तों, बहुत बड़ी गलती। बाहर थोड़ा सा रखूंगा गेंद की, मार ना पाए। ये मारने की कोशिश, पीछे फील्डर खड़े हैं। क्या छूट गई हर बड़ी में दोस्तों मैं था, क्योंकि नो बॉल हो गई है तो गलती मुझसे हुई है, कोई तो भुगतना भी पड़ेगा। फ्री हिट डालता हूँ, देखता हूँ, फ्री हिट में बोलूंगा नहीं ज्यादा। देखता हूँ क्या होता है। छह रन तो इस ओवर में जो अच्छा जा रहा था, नो बॉल की वजह से हो गई है पिटाई, तो वापसी करनी पड़ेगी तभी मैच में आ पाएंगे। फिर रिवर्स स्विंग कराएंगे हम लोग। गेंद डाली है यहाँ पे, एक रन डायरेक्ट हिट मारेंगे तो एक ही मिल पाएगा। तीनों स्टंप्स के बीच में डाली है गेंद और यहाँ पे भी मुझे एक ही रन देना है। डायरेक्ट थ्रो हुआ है, आपकी बार हिट तो नहीं पड़ी। देखता हूँ अब क्या होता है। और यहाँ पे बोल्ड, पहली सफलता आखिरी गेंद में मिल गई दोस्तों। ये कोई रेड्डी है, ऑफ स्पिनर उनको लाए, देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद अच्छी डाली है, नो बॉल हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। ओए, ये अपील हुई है, यहाँ पे आउट दे दिया गया है कि आपकी बार रिव्यू लेंगे, तो ले लिया है रिव्यू, देखना है क्या होता है इस गेंद पे। के लगी गेंद, हाँ इंपैक्ट इन लाइन हिटिंग, अभी है विकेट सिटिंग है तो आउट है, आपकी बारी है, जाना पड़ेगा वापस पवेलियन। पहली गेंद में मिल गई सफलता, दो दो मतलब दो लगातार गेंदों में मिली है सफलताएं। पिछले ओवर के आखिरी गेंद, इस ओवर की पहली गेंद, जाना पड़ेगा ब्रूमेंट को वापस। कोई गन करके हैं वो, आए हैं बैटिंग करने। यहाँ पे देखते हैं, इस गेंद पे डायरेक्ट थ्रो पड़ेगा, दो के चांस नहीं है। यहाँ पे दूसरी सफलता दोस्तों, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं इंग्लैंड वाले। स्पिन नहीं पढ़ पा रहे हैं इंग्लैंड वाले। मार्श आए हैं, आई हैं मतलब वुमेन्स हैं, तो इस गेंद पे देखते हैं क्या होता है। दो मिल जाएंगे, डायरेक्ट हिट पड़ेगी, नहीं एक मिलेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे डायरेक्ट हिट चलते रन आउट, तो दोस्तों बहुत अच्छा ओवर गया है। मार्च को जाना पड़ा वापस, सही सर आए हैं, देखते हैं, आई हैं देखते हैं वो क्या कर पाती हैं। चार विकेटें दो ओवरों में गिर गई दोस्तों। तो यहाँ पे नो, यहाँ पे वाइड पकड़ भाई, वाइड का चौका। शिट यार, मेरी गलती है, अब मैं बॉलर को नहीं कह सकता।
डायरेक्ट थ्रो मारा है फील्डर ने, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट गेंद फेंकते हैं। थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा था तो वही देखा मैंने, अभी सुधार दिया है, अब नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो चलिए इस गेंद पे मैं 2 मिल गए हैं क्या, रन आउट नहीं हो पाया, रन आउट हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट पड़ती तो 2 ओवर में 25 रन है, 4 विकेट हैं, विकेट ही ज़्यादा हैं, रन भी ज़्यादा हैं तो दोनों लोग के भी अभी, लेकिन विकेट ज़्यादा हैं, रन तो तब भी कम है, विकेट बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, हर ओवर में मतलब 2 विकेट लिए गए हैं और 1 ओवर में 3 विकेट लिए गए हैं। आप लोग ने तो मैच देख ही रहे हैं मेरा, तो बढ़िया प्रदर्शन है। ये नो बॉल डाल दी पटेल ने और यहाँ पे इन्होंने 1 रन निकाल लिया है। क्या नेक्स्ट के लिए जाएंगे? नहीं, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे। नो बॉल, फ्री हिट। तो इस गेंद पे देखता हूँ मैं, फ्री हिट है, छक्का, तूफानी शॉट, स्क्रीन पे जाके सीधा लगा। और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे एक रन मिला। यहाँ पे गैप में गेंद डायरेक्ट थ्रो, बाई कहा जाएगा, ये नो बॉल, ये वाइड है भाई, ये वाइड है, इतनी अच्छी गेंद, तो सोच रहा हूं ऑटो प्ले कर दूं, बॉलिंग कर दूं, क्या कर दूं? नहीं, यहाँ पे मैंने व्हील देख रहा हूँ तो ठीक है, इस बार वाइट थ्रू, मतलब 2 रन की प्राप्ति। और यहाँ पे ये तो आउट होना चाहिए, हाँ LBW, देखना है, यहाँ पे रिव्यू लिया तो है उन्होंने, इंपैक्ट ऑन लाइन हेडिंग, विकेट्स आउट है, डिसीजन। यहाँ पे गन वापस चले हैं प्रवेलियन, ए बिस्ट को लाया हूँ, ऑफ स्पिनर हैं, यहाँ पे बादल कड़क रहे हैं, क्या बारिश हो सकती है? हो गई दोस्तों, तो मुझे कॉइन खर्च करने पड़ जाएंगे।
यहाँ पे क्या आउट, अंपायर ने तो आउट दे दिया है, स्पिनर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और रिव्यू नहीं लिया है। रिव्यू लग रहा मेरे पास, हमको लग रहा वो उनके पास खत्म हो गया। यहाँ पे आउट, अंपायर ने नो बॉल हो गई, एक और विकेट थी तो बड़ा शॉट तो लगा नहीं पाएंगे। कितनी अच्छी गेंद है, एक और बार आउट, दो लगातार विकेटें मिलती दोस्तों। बिजली कड़क रही है बहुत तेज से इस गेंद पे, देखता हूँ क्या आउट होंगे। रोक दी गेंद, विकेट मिलने का चांस था दोस्तों। भाई गेंद तो, अरे इतनी दूर से फील्डर को बुला के गेंद उठवा रहे हैं, बहुत बुरी चीज है। नो बॉल, ओ माय गॉड यार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो रन नहीं जाते हैं जितना मैं नो बॉल करता हूँ, तो ये मेरे अंदर एक खराबी है जिसको सुधारने की कोशिश करूँगा। कल एक मैंने फ्री फायर की भी वीडियो डाली है, वो ना देखी हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री फायर की भी वीडियो आती रहेंगी। एक मैच खेला था, अब जीते हारे थे ये तो आपको उसे वीडियो में पता चलेगा। इस गेंद पे देखता हूँ और ये आउट, ओ फ्री हिट थी। इस गेंद पे देखता हूँ, डॉट, बारिश शुरू हो गई। और देखता हूँ इस गेंद पे तो कुछ नहीं मिला, एक कौड़ी नहीं मिली। कॉइन मांगेगा क्योंकि बारिश हो रही है। पूनम यादव को आखिरी में लाऊंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे अब कॉइन मांगेगा मुझसे जो मेरे पास कम है। देख सकते हैं वापसी हो रही है बारिश की वजह से, क्या ओवर कम हो जाएंगे, हो जाए तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में इतना मेरे इंटरनल है नहीं कि 10 ओवर पूरी वीडियो बन पाए, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगा तब जाके मेरी पूरी 10 ओवर की वीडियो बन पाएगी। इधर ट्रांसफ़र करूँगा वीडियो, उधर ट्रांसफ़र करूँगा, सच बता रहा हूँ मैं। पॉइंट्स की कमी है तो दोस्तों पॉइंट्स इकट्ठा करता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो देख सकते हैं बारिश रुक गई है, ओके पे अब हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे दोनों बैट्समैन फिर आ रहे हैं बैटिंग करने, आउट होने हैं। तो चले, बॉलर भी आ चुके हैं रेड्डी साहब। इस गेंद पे डायरेक्ट हिट पड़ेगी, आउट है, आउट है भैया, आउट है। चलिए वापस, चलिए ऐसे बैट्समैन से कह रहे होंगे बॉल फील्डर्स लोग, क्या बात है बॉस, वुमेन्स क्रिकेट क्या खेल रही है इंडिया का, तो अब जीतना लगभग पक्का है मेरे ख्याल से, अब लगभग पक्का हो गया। इस गेंद पे देखता हूँ मैं, डॉट हुई है ये भी बॉल,
इस गेंद पे देखता हूँ, ये भी डॉट हो चुकी है। यहाँ पे वाइट थ्रो हुआ है तो डायरेक्ट हिट का कोई चांस नहीं, आउट होने का कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं इस बार। डायरेक्ट हिट होती तो कोई बात बनती। और इस ओवर में इन्होंने एक को विकेट नहीं ली, डायरेक्ट थ्रू हुआ है, एक ही मिल पाएगा यहाँ पे। इस गेंद पे देखता हूँ, विकेट। चलिए, इनको एक सफलता तो मिली इस ओवर में। अब एक ओवर पूनम पांडे को डलवाता हूँ, ये भी बेस्ट बॉलर है इस टीम में। डायरेक्ट थ्रो हुआ है इस गेंद पे, इस गेंद पे देखता हूँ मैं क्या होता है। और यहाँ पे आप लोग कहोगे तो करियर मोड की भी वीडियो मैं बनाऊंगा, चाहे मैं उसको परचेज क्यों ना करूँ। ये नो बॉल है, आप लोगों को मैं बता दूं। तो दोस्तों चलिए फिर अब आगे का खेलते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग को बताया था मैंने। चलिए, कौन नो बॉल भैया। फिर दोस्तों रुक जाता है तो फिर थोड़ा डिसकंटिन्यू हो जाता है, इसीलिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता दोस्तों। इसीलिए कि अगर रुक गया लाइव स्ट्रीम में तब तो सब रिकॉर्ड होता रहेगा। फिर एसडी कार्ड सोचा हूँ मोबाइल में डलवाऊँ, स्पेस हो जाए अच्छी खासी वीडियो बनाने के लिए। ये विकेट है, ओ फ्री हिट थे। नो बॉल है दोस्तों, शिट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कूल डाउन, कूल डाउन का, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। ये भी क्या, अरे फ्री हिट थी। यहाँ पे इस गेंद पे डायरेक्ट हिट पड़नी चाहिए, पड़ेगी। दूसरे के लिए भाग गए, रन आउट। नहीं पहुंच गया, पहुंच गया यार। आउट, आपकी बार आउट। यस, रन रेट अच्छा खासा है, 6 ओवरों में 60 रन बन गए। बची आखिरी विकेट है, फास्ट बॉलर को लाएं, यॉर्कर डालेंगे शायद आउट हो। फुल टॉस डालते हैं, देखते हैं। बोल्ड, यस, यहाँ पे इनिंग हो चुकी है समाप्त पहली। और ये शबरी शोल वापस जा रहे हैं, प्रबेलन जो हैं। अब हम लोग की बैटिंग का समय हो चुका है, आगे बढ़ते हैं।
स्मृति बंदना, मिथाली राज को मैं उतारूंगा ओपनिंग के लिए, एक अच्छी शुरुआत दें। ज़्यादा बड़ा टोटल है नहीं, अकेले ही ये लोग बना सकते हैं ओपनर्स। वहाँ पे हेजल आ रहे हैं बॉलिंग के लिए, कोई स्पिनर हैं अभी। देखा होगा कि हम लोग के स्पिनर्स ने जो कमाल किया है भैया, काबिले तारीफ है। एक मिनट ये रुक के चल रहा है, थोड़ा लैग कर रहा है, क्या हो रहा है। लैगिंग के चलते गिर गई पहली विकेट, सब लैगिंग के चलते हुआ है, नहीं तो ना गिरती विकेट, ना होता कुछ भी नहीं होता। कुछ समझ ही में नहीं आया मुझे जब लैग हो रही थी। तो ये इस टीम की सबसे अच्छी बैट्समैन है, एक इनिंग में 26 रन इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पे दो तो प्राप्त करेंगी ही अगर इनका मिताली राज हैं, ये भी एक कमाल की बैट्समैन है। बहुत छोटा टोटल है अगर देखा जाए, जितनी गेंदे हैं लगभग उतने ही रन हैं। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में बनते भी इतने हैं, मैं वुमेन्स की मतलब बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बनते इतने ही हैं मेरे ख्याल से। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा खेलूँ, क्योंकि तो टीम को जितवाना है ये मैच। फिर अगला मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो भी बहुत कमाल का मैच होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप लोग को मेरे ये पूरी वुमेन T20 चैम्पियनशिप देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ, कर दीजिए प्लीज़। तो पहले ओवर से 8 आए हैं, इस ओवर की पहली गेंद से 2 आ गए हैं। भाई बड़ा शॉट खेलना क्यों, चलिए इस बार आप लोग के लिए खेल लेता हूँ। क्या विकेट है, सो दोस्तों चलिए खेलते हैं अब अगली गेंद। वो बहुत अच्छी स्पिन करा दिया, तारीफ कर रहा हूँ मैं गेंदबाज की। इसने मतलब रेडवी जो इस ऐसे बल्लेबाज को इतनी आसानी से आउट कर दिया, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी इस गेंदबाज की अब भाई। ओ क्या स्पिन है, जबरदस्त। थोड़ा गेंद के ऊपर चढ़ के खेलते हैं। हाँ तो अब देखिए शॉट लग गया, 2 के लिए गए हैं। डाइव लगाएंगे, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो बॉल, फ्री हिट है आपकी बार, बड़ा शॉट लगाने की पूरी कोशिश रहेगी। उठा के तो खेल लिया है, पीछे फील्डर खड़े हैं, छोड़ दिया मिस फील्ड, कैप मिल गए हम लोग को 4 रन। इस गेंद पे भी 2 मिलेंगे, देख सकते हैं आप। इस गेंद पे भी 2 मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, मिल गए 2। तो 21 रन बन चुके हैं 2 ओवर में। जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है।
रिक्वायरमेंट से 5 का है। और इस गेंद पे देखते हैं क्या होता है। शॉट नहीं लग पाया। यहाँ पे 2 मिलने आएंगे। नो बॉल है तो फ्री हिट। आगाज बहुत अच्छा हुआ है इंडिया का इस टूर्नामेंट में। इसमें टूर्नामेंट है नहीं, मैंने बनाया है, मेरा ही दिमाग है सब। इसलिए मैं वुमेन्स क्रिकेट के क्विक मैच से प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे एक गेंद डॉट हो गई है। इस गेंद पे 2 मिलने चाहिए। 2 मिल गए हैं इस गेंद पे दोस्तों। उस जीत के लम्हे का मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, किस पल वो जीतगी हम लोगों की। इस गेंद पे देखता हूँ मैं कितने रन मिल जाएंगे। 2 मिल गए। यहाँ पे डॉट हो गई है ये गेंद भी। ये गेंद भी डॉट हो गई है। और ये गेंद डॉट हो गई तो प्रेशर है, प्रेशर बन रहा है मेरे ऊपर। बड़ा शॉट लगाने का सोच रहा हूँ अपने। खेल दिया, अरे आउट हो गए। परफेक्ट होता तो और कोई बात होती, हो नहीं पाया परफेक्ट ये शॉट और हो गए हम लोग आउट। अब आ रही हैं इस टीम की मेरे ख्याल से तो दूसरी सबसे अच्छी प्लेयर हरमनप्रीत कौर। कैप्टन भी रह चुकी हैं इस टीम को, तो लीड करना भी जानती हैं। थर्टी थ्री रन बन चुके हैं हम लोग के। और ज़्यादा बड़ा स्कोर है नहीं, ऐड को हटाना है। ऐड में लोडिंग हो रही है यार, हद है। चलिए हेड हट गया। फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है। अब ये बहुत टूर्नामेंट है दोस्तों, तो वीडियो लंबी बनेगी तो आप लोगों को भी रोमांच होगा, मुझे मालूम है, इसलिए थोड़ा सा बड़ी वीडियो बनाई मैंने। ये पहला मैं टूर्नामेंट बनाया हूँ, अब दूसरी वीडियो कल आएगी। आज अभी एक फ्री फायर की भी वीडियो आएगी।
मेरे अगर टाइम मिला भाई तो। उठा के खेला है, दो मिल जाएंगे। 39 पे पहुंच गई है टीम। तो यहाँ पे गैप में है, नहीं है, तब भी दो मिल जाएंगे। और यहाँ एक और यहाँ पे दो, इस गेंद पे भी दो मिल गए। और इस गेंद पे दो मिल जाएंगे। तो इस ओवर से भी आ गए 12 बिना किसी बाउंड्री के। 15 रन, 16 रन दूर हम लोग विक्ट्री से, आप लोग देख सकते हैं। तो इस गेंद पे भी दो मिलेंगे। तो 14 रन अब हम लोग विक्ट्री से दूर हैं। नो बॉल है तो 13 रन हम लोग विक्ट्री से दूर हैं। चौका लगाने की रहेगी कोशिश। यहाँ मिस फील्ड, दो चौका मिल गया यहाँ पे। तो टीम भी अब ढीली पड़ चुकी है, जो होना ना चाहिए। मैच कभी भी पलट सकता है। अब 9 रन हम लोग दूर हैं विक्ट्री से। इंग्लैंड का मेरे ख्याल से तो बहुत बुरा प्रदर्शन है, बहुत ही बुरा प्रदर्शन करा है इस मैच में इंग्लैंड ने। अब आप लोग कह रहे हो कि बोल, अब तुम धीमे क्यों बोल रहे हो, कम क्यों बोल रहे हो? दोस्तों बोलते बोलते थक गया हूँ इसलिए। अभी वीडियो बना रहा हूँ, एडिट करूँगा, फिर डालूँगा। पढ़ाई भी करनी है मुझे, बहुत काम रहते हैं दोस्तों। दो रन बहुत डर डर के लिए हैं इस गेंद पे मैंने। तो इस ओवर में हम लोग जीत को चूमेंगे 2 रन के साथ। बड़ा शॉट ट्राई करूंगा इस गेंद पे मैं। तो इस गेंद पे हम लोग को मिलेगी विक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जीत चुके हैं अभी ये मैच। 7 विकेटों से इंडिया जीत गई है, इंडियन वुमेन्स जीत गई है मैच। इंग्लैंड निराशा के साथ पहला मैच हारते हुए, और आशा रेड्डी को मिला है मैन ऑफ द मैच, नाम मालूम नहीं इसलिए रख दिया, जिन्होंने ली हैं 3 विकेटें। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया वॉन बाय 7 विकेट्स, वुमेन्स क्रिकेट मैच रिजल्ट। मुझे 1000 कॉइन्स भी मिले हैं, यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिला है जिसको मैं ले लेता हूँ। दोस्तों यही थी आज की मतलब यही था पहला वुमेन्स T20 T10 चैम्पियनशिप का मैच, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और इसी के साथ पूल में इंडिया पूल 1 में नंबर 1 पे है, और दूसरा मैच होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैच नंबर 2, वो है पूल नंबर 2 दोस्तों। तो पूल नंबर 1 में 4 टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और पूल नंबर 2 में है साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो दोनों सारी टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी, मतलब पूलों में भिड़ेंगी, फिर जो जीतेगा फिर एक दूसरे से भिड़ेंगी, क्वार्टर फाइनल होगा, सेमीफाइनल होगा। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत दिनों तक चलेगा। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेमिंग पाजी। तो
और भी अगर आप लोगों को टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिलेंगी इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की मेरी वीडियो, फिर मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।